गुड मॉर्निंग इस 10th क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने लोकसभा के पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के फंक्शंस एंड पावर्स। सो फर्स्ट है जुडिशियल पावर्स। अलोंग विथ लोकसभा, राज्यसभा आल्सो परफॉर्म्स वर्क्स एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ लॉज। जो लोकसभा है उसी के साथ साथ जो राज्यसभा है वो भी क्या करती है, लॉ मेकिंग का काम करती है, मतलब दोनों ही लॉ बनाने का वर्क करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड इक्वल पावर टू लोकसभा एंड राज्यसभा इन कॉन्टेक्स्ट टू नॉन मनी बिल्स। और जो नॉन मनी बिल्स है वो क्या, दोनों में ही इक्वली तौर पर पास होते हैं, मतलब दोनों को ही पावर्स दी गई है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में ही ये बिल पास किया जा सकता है। पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा इंजॉय इक्वल पावर एज द लोकसभा। जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट किए जाते हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही इक्वली तौर पर क्या है, पावर्स दी गई हैं, मतलब दोनों की सेम पावर्स होती हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रेपेंसी बिटवीन बोथ द हाउस रिगार्डिंग अ रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कह रहा है कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर ही होते हैं, मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं और इसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं उसमें होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजोल्यूशन विल नॉट बी पास्ड। और इसी के साथ साथ क्या होता है, ये जो बिल है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पास नहीं किया जाता है। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे।